नमस्कार, मैं हूं विनीत त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश के संबल से समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क का निधन हो गया। वह लंबे समय से अस्पताल में भर्ती थे। हाल ही में सपा ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट जारी की थी उनमें बर्क का नाम था। साल 2019 का चुनाव जीतने के बाद से वह संसद में सबसे बुजुर्ग सांसद के तौर पर मौजूद थे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार सदन में बुजुर्ग सांसदों का जिक्र करते हुए उनका नाम लिया था। अपने बयानों की वजह से विवादों में भी बर्क हमेशा रहे हैं। यूपी के सबसे बड़े मुस्लिम नेता के तौर पर भी वो जाने जाते थे। वो 5 बार से सांसद थे और 4 बार विधायक रह चुके थे। 11 जुलाई सन 1930 को उत्तर प्रदेश के संभल में जन्मे शफीकुर रहमान बर्क ने पहली बार साल 1974 में विधायकी का चुनाव लड़ा था। बीकेडी की टिकट पर उन्होंने संबल से जीत हासिल की और विधायक बने। वो साल 1977 में जनता पार्टी से, 1985 में लोकदल से और 1989 में जनता दल से विधायक रहे। बर्क सपा की शुरुआत से ही उनके साथ रहे हैं। साल 1996 में उन्होंने पहली बार सपा के टिकट पर मुरादाबाद से सांसदी का चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। इसके बाद वो 2004 तक लगातार सपा के टिकट पर सांसद रहे। साल 2009 में उन्होंने अपनी सीट और पार्टी दोनों बदली और बीएसपी के टिकट पर भी वो संबल से चुनाव जीत गए। साल 2014 के मोदी लहर में बर्क चुनाव हार गए, लेकिन 2019 में सपा और बसपा के गठबंधन ने उन्हें फिर से सांसद बना दिया। वो फिर से समाजवादी पार्टी में लौट आए थे। साल 2024 में भी अखिलेश ने उन पर भरोसा जताते हुए पहली ही लिस्ट में संबल से उनको उम्मीदवार बनाया था। हालांकि बर्क अब इस दुनिया में नहीं है, ऐसे में अब देखना होगा कि नए उनके उत्तराधिकारी के तौर पर सपा किसे संबल से चुनावी मैदान पर उतारेगी। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का एक छोटा परिवार है। उनके परिवार में उनका एक बेटा है, उनका पोता और पोती है। शफीकुर रहमान बर्क का पोता विधायक है। इसके अलावा उनकी पोती एक डॉक्टर है। आपको बता दें कि जिस अस्पताल में उनका निधन हुआ उसी में उनकी बेटी काम करती थी। उन्हीं की निगरानी में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क की देखरेख हो रही थी। उनके शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। बता दें कि 11 जुलाई 1930 को जन्मे शफीकुर रहमान बर्क चौधरी चरण सिंह के साथ राजनीति की शुरुआत की थी। समाजवादी पार्टी के गठन के समय भी मुलायम सिंह यादव के साथ मिलकर काम किया और सपा के फाउंडर मेंबर भी रहे हैं। शफीकुर रहमान बर्क बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक रहे हैं। शफीकुर रहमान बर्क 1996-98 2004 से सपा से मुरादाबाद लोकसभा सीट पर 3 बार और संबल लोकसभा सीट पर बसपा से 2009 में और 2019 में सपा से संबल सीट पर 2 बार सांसद रहे। एक बार यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे और 4 बार संबल की सीट से विधायक चुने गए। बर्क अपने विवादित बयानों के कारण भी खूब चर्चा में रहे। साल 2019 में सांसद के तौर पर शपथ लेने के बाद बर्क ने वंदे मातरम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था, वंदे मातरम यह इस्लाम के खिलाफ है और हम इसका पालन नहीं कर सकते। इसके अलावा साल 2021 में उन्होंने पड़ोसी देश अफगानिस्तान में तालिबान के शासन की तुलना भारत में ब्रिटिश राज के खात्मे के बाद भारतीयों के शासन से कर दी थी। इसे लेकर भी बहुत विवाद हुआ था। हिजाब के विवाद पर बर्क ने बड़े अजीब तर्क देकर हिजाब का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि जब बच्चियां बड़ी होने लगती हैं तो उन्हें कंट्रोल में करने के लिए हिजाब जरूरी है। हिजाब पहनने से बच्चियां काबू में रहती हैं। उनके इस बयान की भी जमकर आलोचना हुई थी। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर भी बर्क के बयान पर खूब विवाद हुआ था। उन्होंने कहा था कि औलाद पैदा करने का ताल्लुक इंसान से है नहीं बल्कि अल्लाह से है। ऊपर वाला बच्चे को पैदा करता है, वह उसके आगे का भी इंतजाम करता है। हाल ही में अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने को लेकर किए गए सवाल पर बर्क ने कहा था कि वह वहां नहीं जाएंगे क्योंकि हमारी मस्जिद पर ताकत के जरिए कब्जा किया गया है। उन्होंने कहा था कि हम तो बस अल्लाह से दुआ करेंगे कि जो बाबरी मस्जिद हमसे छीन ली गई है वो हमें वापिस दे दी जाए।